सच में क्या दोनों मैग्नेट पर गोपारे लगने के बाद दोनों मैग्नेट को ऐसे रखने के बाद डीसी मोटर से कनेक्शन करने से डीसी मोटर चलता है चलेगा करके दिखाते यहाँ पर मैंने डीसी मोटर डीसी मोटर के अलावा मैंने यहाँ पर दो मैग्नेट ले चुका दो मैग्नेट के अलावा मैंने यहाँ पर कोपा रेलर ले चुका कोपा रयर लेने के बाद इस कोपा रेलर को मैग्नेट रे के साथ कनेक्शन कर दूंगा यहाँ पर मैंने कनेक्शन भी शुरू खर्च को वीडियो में जैसे दिखा तो ऐसे मैं कनेक्शन कर लूंगा पर मैंने कनेक्शन पहले वाला कनेक्शन पूरा कर चुका अब मैं दूसरे वाला कनेक्शन भी कर लूंगा यहाँ पर मैंने दूसरे वाला कनेक्शन भी शुरू कर चुका आप लोग देख सकते हो मैं दूसरे वाला और दोनों मैगनेट भी मैं कनेक्शन पूरा कर खर्चा पूरा करने के बाद अब मैं डीसी डीसी मोटर का प्लस माइनस कनेक्शन भी है पर मैंने पूरा कर चुका पूरा करने के बाद आप देखते हैं ये डीसी मोटर चलता कि नहीं चलता है मैग्नेट से फ्री एनर्जी होता कि नहीं तो अब लोग दिखाऊंगा पर मैंने मैग्नेट को खड़ा कर दूंगा पर मैं खड़ा कर चुका लेकिन ये मोटर थोड़ी सी भी नहीं चल रहा है यानी कि फेक है ऐसे मैग्नेट से फ्री एनर्जी नहीं चलिए दूसरे नंबर के फ्री एनर्जी में चलते हैं यहाँ पर देखा रहा है कि सॉल्ट वाटर में एक तरफ कील और दूसरे तरफ आयल देने के बाद एलईडी को प्लस माइनस से कनेक्शन करने से एलईडी जलता है चलेगा पटराई करते बैकअप को करके दिखा यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले चुका सॉल्ट लेने के बाद इस सॉल्ट को मैं उस पानी में देकर मिक्स कर लूँगा यानी कि नमक के पानी में देकर मिक्स कर लूँगा या पर मैंने नमक को पानी में दे चुका और देने के बाद अब मैं मिक्स कर लूँगा यहाँ पर मैंने मिक्स भी करना शुरू कर चुका यहाँ पर मैंने मिक्स पूरा कर लूँगा यहाँ पर मैंने पूरा करने के बाद यहाँ पर इस एल का यूज़ करूँगा यहाँ पर मैंने कोपर एयर को उस एल के साथ कनेक्शन कर चुका और कनेक्शन करने के बाद किल को भी कनेक्शन कर लूँगा यहाँ पर मैंने किल को कनेक्शन कर चुका और पूरा ही मैं कनेक्शन कर चुका पूरा कनेक्शन करने के बाद आप देखते हैं एल जलता कि नहीं जलता सॉल्ट वाटर में मैं डाल दिया पर मैंने डाल रहा हूँ आप लोग देख सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ही डाल चुका हूँ लेकिन एल ई थोड़ा सा भी नहीं जल रहा आप लोग देखो थोड़ा सा भी नहीं जल रहा यानी कि ये भी फेक है सॉल्ट वाटर से फ्री एनर्जी नहीं, नहीं होता है स्पीकर पर ऐसे कनेक्शन करने के बाद इस एलईडी के साथ कनेक्शन करने से एलईडी जलता है चलेगा पट रहेगा तेरे लिए बैक आपको करके दिखाते हैं पर मैंने स्पीकर ले चुका स्पीकर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इस छोटा एलईडी का यूज करूंगा और यहाँ पर मैंने वायर भी ले चुका वायर लेने के बाद इस वायर को इस स्पीकर से प्लस माइनस का एक साथ ज्वाइंट कर लूंगा इसलिए मैं इस वायर को कनेक्शन भी शुरू कर दूंगा यहां पर मैंने कनेक्शन भी शुरू कर चुका आप अपलोधर से प्लस माइनस को एक साथ जोड़ दूंगा यहां पर मैंने जोड़ रहा आप लोग उधर से एक साथ मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर मैंने जोड़ भी रहा हूँ जोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने एलईडी का प्लस माइनस से कनेक्शन कर लूंगा यहाँ पर मैंने एलई का प्लस माइनस से कनेक्शन करने के बाद इसको टच जब स्पीकर से

यहाँ पर मैंने दो मैग्नेट ले चुका दो मैग्नेट लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक एल ई बल्ब भी ले चुका एल ई बल्ब के अलावा मैंने यहाँ पर कॉपर एयर भी ले चुका कॉपर एयर को मैं इस एल के साथ कनेक्शन कर लूँगा वीडियो में जैसे दिखाता है मैं ऐसे कनेक्शन कर लूँगा यहाँ पर मैंने धीरे धीरे से कनेक्ट जोड़ रहा आप लोग देख सकते हो एल ई डी बल्ब पर यहाँ पर मैंने जोड़ रहा यहाँ पर मैंने पूरा कम्प्लीट कर चुका कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने मैगनेट को खड़ा कर कचू दोनों मैगनेट को खड़ा करने के बाद इस एल को उस दोनों मैगनेट के बीच में रखते हो और एल जलता कि नहीं जलता आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर मैंने धीरे धीरे से नीचे कर रहा हूँ लेकिन मैग्नेट के बीच में रखने से भी ये एल नहीं जल रहा आप लोग सकते मैं यहाँ पर एलईडी नहीं जल रहा है यानी कि ये मैगनेट से एल नहीं गुल करता है फ्री एनर्जी नहीं होता ये भी फेक है सॉल्ट वाटर में मैग्नेट देने के बाद किल से ऐसे कनेक्शन करने के बाद एलईडी के साथ कनेक्शन करने से एल जलता है चलेगा पर रहता है रेलईडी बाइक आपको करके दिखाते मैंने दोनों गिलास में पानी भर चुका पानी भरने के बाद इसमें सॉल्ट देकर मिक्स कर लूंगा पर मैंने मिक्स भी करना शुरू कर चुका हूँ मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने मैग्नेट ले लूंगा या पर मैंने दो मैग्नेट ले चुका दो मैग्नेट लेने ले के बाद इस दोनों मैग्नेट को दोनों गिलास में दे दूंगा यहाँ पर मैंने पहले वाला गिलास में पहले मैग्नेट दे चुका और दूसरे वाला गिलास में मैग्नेट दे दूँगा पर मैंने मैग्नेट दे चुका देने के बाद अब यहाँ पर मैंने वीडियो में जैसे दिखा था वैसे यहाँ पर मैंने किल पर कनेक्शन कर चुका कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैंने रख चुका हूँ की गिलास पर ऊपर रखने के बाद आप दे यहाँ पर मैंने एलईडी का सब जब टच कर रहे हो एलईडी थोड़ा से भी नहीं जल रहा है आप लोग सोल्ट वाटर और मैग्नेट से फ्री एनर्जी नहीं, नहीं होता है आप लोग से ए भी फेक है यहाँ पर देखा रहे कि सॉल्ट वाटर से फ्री एनर्जी होता है सॉल्ट वाटर से डीसी मोटर चलता चलेगा पे रहेगा तेरे लेके बैक है आपको करके ग्लास में पानी ले चुका पानी लेने के बाद इस पानी में सॉल्ट दे दूंगा यानी कि नमक दे दूंगा नमक दे के इसमें मिक्स कर लूंगा यहाँ पर मैंने नमक ले चुका नमक को मैं यहाँ पर मैंने दे चुका देने के बाद पर मिक्स कर लूंगा यहाँ पर मैंने धीरे धीरे से मिक्स कर रहा हूँ मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने दो सेफ्टी सेफ्टीबिन ले चुका दो सेफ्टी सेफ्टीबिन को इस डिसी मोटर से जोड़ दूंगा इस प्लास मैंने इससे जोड़ दूंगा वीडियो में जैसे ऐसे जोड़ दूंगा यहाँ पर मैंने जोड़ना भी शुरू कर चुका कनेक्शन करना शुरू कर चुका यहाँ पर मैंने कनेक्शन भी पूरा कर चुका पूरा करने के बाद यहाँ पर मैंने सॉल्ट वाटर में उंगली डाल चुका उंगली डालने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों सेफ्टी

यहाँ पर मैंने एक नाइन वोल्ट का बैटरी का चुका नाइन वोल्ट का बैटरी लेने के बाद यहाँ पर मैंने इस पेंसिल से इस ग्राफाइट को निकल चुका इस वाला हिस्सा को मैं निकल चुका निकलने के बाद यहाँ पर, मैं पर मैंने एक मैचिस का बॉक्स ले चुका इस मैचिस का बॉक्स से मैं एक मैचिस का तिली ले लूंगा यहाँ पर मैंने मैचिस से एक तिली ले चुका इस नाइन बोल्ट के बैटरी के ऊपर इस ग्राफाइट को रख दूंगा यहाँ पर मैंने भी ग्राफाइट को रख राक रहा हूँ रखने के बाद यहाँ पर मैंने जब मैचिस को टच कर रहा हूँ फिर भी ये बहुत समय के हो चुका है लेकिन ये मैचिस का तिली नहीं जल रहा आप है मैच का तिली नहीं जल रहा यानी कि ये वीडियो फेक है यहाँ पर दिखा रहे कि सॉल्ट वाटर में मैचिस का तिली रखने के बाद उस तिली को एच डब्ल्यू बैटरी के का साथ कनेक्शन करने के बाद एलईडी को जब टच करते हैं एलईडी जलता है चले ग्राफ पर ट्राई करते रहे एल को करके दिखाते हैं पे ग्लास में पानी ले चुका पानी लेने के बाद इस पानी में सॉल्ट देख मिक्स कर लूंगा यहाँ पर मैंने मिक्स भी करना शुरू कर चुका मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक मैचिस का तिली ले लूंगा दो मैचिस का तिल लेने के बाद यहाँ पर मैंने मैचिस का तिल ले चुका मैचिस का तिल लेने के बाद इस एल ई डी के साथ प्लस माइनस का कनेक्शन जोड़ दूंगा यहाँ पर मैंने जोड़ भी चुका कनेक्शन करने के बाद इस सॉल्ट वाटर में डुबा दूंगा इस दोनों मैचिस का तिली को यहाँ पर मैंने डुबा चुका डुबाने के बाद अब ये बैटरीज का प्लस माइनस से जोड़ के देखते हैं एल ई डी ग्लो करते कि नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास होता कि नहीं तो आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर मैं बैटरी का लेच का बैटरी लेने के बाद यहाँ पर मैंने पहले वाला माइनस का दूसरे वाला प्लस में टच कर रहा हूँ एलईडी ई जल रहा है आप लोग सॉल्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास होता है यानी कि रियल है ये वीडियो रियल है चले <णुण> इस छोटा बैटरी से डीसी मोटर चल सकता है चलेगा पेट रहेगा तेरे लेकिन मैं आपको करके दिखाते हैं यहाँ पर मैंने डीसी मोटर ले चुका डीसी मोटर के अलावा छोटा बैटरी भी ले चुका छोटा बैटरी को लेने को को के बाद यहाँ पर डीसी मोटर का चला के दिखाते है डीसी मोटर सही है कि खराब है आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर मैंने इसलिए इसका प्लस माइनस जोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगा डीसी मोटर चलते कि नहीं चलता है यहाँ पर मैंने जब प्लस माइनस से कनेक्शन कर रहा हूँ डी सी मोटर चल रहा है आप लोग देख सकते लोगों डीसी मोटर चल रहा है यानी कि डीसी मोटर अच्छा है खराब नहीं है डीसी मोटर उसके बाद मैं इस छोटा बैटरी से कनेक्शन करूँगा इस तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है चले इसको जोड़ के देख डीसी मोटर चलता कि नहीं चलता पर मैंने जोड़ रहा है आप दोस्तों मैं यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डीसी मोटर चल रहा है छोटा बैटरी से डीसी मोटर चल रहा है यानी कि ये वीडियो भी रियल है पर मैंने ले पेंसिल ले चुका पेंसिल लेने के बाद यहाँ पर दूसरे तरफ एल ई डी ले चुका एल लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक बैटरी ले चुका बैटरी को इस एल को जला के दिखाते हैं बैटरी अच्छा की खराब है आप लोग को इसको पहले यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लूँगा पैन कनेक्शन यहाँ पर मैंने कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एल अच्छा है ले खराब नहीं है एल ई सही है चलिए अब इस पेंसिल से जो कनेक्शन कर लूंगा यहाँ पर मैं पेंसिल से लाइन जोड़ के और देखते हैं इस ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते कि नहीं करते आप लोग देख सकते हैं एल ई जल रहा है यानी कि ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है आप लोग इसका जब मैं टच कर रहा हूँ एलईडी जल रहा है यानी कि रियल है आप लोग रियल है वीडियो पेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और ऐसे रियल एंड फेक वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना